तो आज जो है हम एक बैकलिंक बनाने वाले हैं जिसका डी ए ऑलमोस्ट 18 के लगभग है। तो यही बैकलिंक आज मैं बनाना सिखाऊंगा जो कि डू फॉलो बैकलिंक है, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ब्लॉग के लिए जो बहुत ही बेनिफिट देगी। तो चलो जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को जो है शुरू कर दें। तो ये रही हमारी वेबसाइट, इसका नाम है intensedebate.com। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो है URL दिया हुआ है intensedebate.com, ये इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पर ये इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें जो है बैकलिंक बनाना है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहा होगा साइन अप का बटन, आप अगर नए हो तो आप यहाँ पर बैकलिंक बना सकते हो, अगर पुराने हो तो आपने बैकलिंक ज़रूर बनाई होगी। तो यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ नई यूज़र नेम डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को जो है कंफर्म कर लेना है। तो ये इसको मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका डी ए है ऑलमोस्ट 18 के लगभग है, और इसका जो है बेनिफिट आपको बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप इसका बेनिफिट बना लोगे, बेनिफिट ही बोल रहा हूँ, अगर आप इसका बैकलिंक बना लोगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा पासवर्ड डाल लेता हूँ और उसके बाद जो है हम साइन अप कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इजीली जो है साइन अप इसको कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड ही डालना है, और उसके बाद जो है साइनअप के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। साइनअप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो, इन्होंने हमें जो है मेल, हमने जो दिया था मेल आईडी उसके ऊपर जो है मेल कर दिया है, तो हमें उसको जो है अभी वेरीफाई कर लेना पड़ेगा। तो इसको मैं फटाफट वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मैसेज आ जाएगा, तुम्हें आ जाने के बाद तुम्हें जो है सिंपली इसको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, इन्होंने जो है मैसेज सेंड कर दिया है। अगर नहीं आया हो तो आप रिसेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कभी कभी अभी क्या हुआ है कि पहले थोड़ा सा जल्दी आया करता था मैसेज, पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही लोग यूज़ करने लग गए हैं, तो इसकी वजह से मैसेज आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, पर आप जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको है कन्फर्म कर लेता हूँ, मेरे ईमेल पे आया होगा, हाँ आ चुका है। अभी इसको मैं थोड़ा है कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म कर लेने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ फर्स्ट। तो और भी हमारे चैनल पे दूसरे भी वीडियो है बैकलिंक बनाने के लिए, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पर, जो कि आपको बैकलिंक बनाने में हेल्प करेंगे। तो आप जो है दूसरी वीडियोस जो है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रिलोड कर लेता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, रिलोड कर लेता हूँ एक बार। तो ये फिल करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो जो मेरा अकाउंट है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ पे मैं मेरे अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो माय अकाउंट नाम का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये मेरा अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है तीन ऑप्शंस, माय अकाउंट, एक्स्ट्रास एंड सपोर्ट, तो ये जो तुम्हें तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें से माय अकाउंट के ऊपर जो है तुम्हें क्लिक कर देना है। ओके, माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें इस साइड में एक माय प्रोफाइल नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी एडिट प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है, इधर भी तुम्हें एडिट प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है। तो एडिट प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम है, और डिस्क्रिप्शन आप अगर अपना देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो ब्लॉग, वेबसाइट, तो जो तुम्हारी ब्लॉग और वेबसाइट है इसका भी URL तुम्हें यहाँ देना है। तो यहाँ से ही तुम्हें बैकलिंक मिलेगी। तो यहाँ पे जो है तुम्हें देने के बाद इसको जो है सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम ब्लॉग का लिंक यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है हम ब्लॉग का लिंक दे देंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं अभी लिख देता हूँ।
मैं ये सब चीज़ें जो है आपके सामने ही करता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत बार होता ऐसा है कि मैं साइनअप पहले से ही कर दूँ तो प्रॉब्लम होता ये है कि लोगों को, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे साइनअप करना है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो फिर बाद में मुझे कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो हर एक कमेंट का तो मैं आंसर दे नहीं सकता, तो इसकी वजह से मैं आपके सामने ही करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, भले ही थोड़ा सा देर लग जाए पर आपके सामने कर दिया तो आप भी बेफिक्र रहोगे और मुझे भी जो है टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी ब्लॉग का टाइटल लिख देना है और ब्लॉग का जो URL है वो तुम्हें यहाँ पर दे देना है। यहाँ पे मैं ब्लॉग का नाम लिख देता हूँ पहले और उसके बाद जो है URL जो होगा मैं यहाँ पर दे दूँगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा URL को और जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे हो चुका है, तो अभी जो है हम यहाँ पे सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे तुम्हें सेव सेटिंग दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो है हम क्लिक कर देंगे। ये ब्लॉग RSS है, आपको देना है तो दे सकते हो पर कोई ज़रूरत नहीं ब्लॉग RSS की आपको। तो हम इसको सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव सेटिंग हो जाने के बाद जो है आपका जो है प्रोफाइल बन जाएगा। तो अभी जो है हम यहाँ पर इसको सेव कर दिया है हमने, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो व्यू माय प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको जो है तुम्हारी खुद की प्रोफाइल दिखाई देगी, कैसे जो है तुम्हारा बैकलिंक बनाए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी जो है हमारा प्रोफाइल आ चुका है। और यहाँ पर साइड में देख सकते हो तुम, यहाँ पे जो है हमारा ब्लॉग का और जो भी तुम्हारी वेबसाइट का हो लिंक लग चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं ये कौन सा लिंक आ चुका है, डू फॉलो है या नो फॉलो। मोस्टली तो ना, मैं डू फॉलो ही बताता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कहीं भी नो फॉलो नहीं लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो है डू फॉलो बैक लिंक है। तो ऐसे ही तुम तुम्हारे वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बना सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।